दोस्तों अगले 3 साल में 10,000 से अधिक इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन स्थापित करेगी इंडियन ऑयल। जी हाँ दोस्तों, देश की सबसे बड़ी पेट्रोलियम कंपनी इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन अगले 3 वर्ष में इलेक्ट्रिक वाहनों यानी कि ईवी के लिए 10,000 चार्जिंग स्टेशन स्थापित करेगी। कंपनी 2070 तक शून्य कार्बन उत्सर्जन के देश के लक्ष्य के तहत ऊर्जा में बदलाव की तैयारी कर रही है। IOC के चेयरमैन श्रीकांत माधव वैद्य ने बुधवार को यह जानकारी दी। कंपनी ऑटो मैन्युफैक्चरर्स को इलेक्ट्रिक वाहनों का उत्पादन बढ़ाने के लिए और ग्राहकों को विश्वास दिलाने के लिए बुनियादी ढांचा स्थापित कर रही है। जी हाँ दोस्तों, बढ़ती पेट्रोल की कीमत और बढ़ती गाड़ियों की संख्या को देखते हुए यह फैसला इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड ने लिया है। IOC की योजना हर 25 किलोमीटर पर 50 किलोवाट के ईवी चार्जिंग स्टेशन और हर 100 किलोमीटर पर 100 किलोवाट हैवी ड्यूटी चार्जर स्थापित करने की है, ताकि ग्राहकों को अपने इलेक्ट्रिक वाहनों को चार्ज करने में आसानी हो। ये चार्जिंग स्टेशन देश भर में मौजूदा और नए पेट्रोल पंपों पर स्थापित किए जाएंगे। दोस्तों यह फैसला काफ़ी महत्वपूर्ण है फ्यूचर के लिए, क्योंकि देश में जितनी गति से गाड़ियां बढ़ती जा रही है, पेट्रोल डीजल की कीमत और भी आसमान छूते जा रही है, जिसके कारण कि इलेक्ट्रिक व्हीकल का प्रचलन काफ़ी ज़्यादा बढ़ने वाला है। इसी को मद्देनज़र रखते हुए IOC का यह फैसला आया है। तो दोस्तों यह छोटी सी अपडेट आपको कैसी लगी, आप हमें कमेंट जरूर करें और ऐसे ही न्यूज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर भी करना ना भूलें।